हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके होस्ट प्यारी दोस्त ऋचा शर्मा। फ्रेंड, आपको जैसे कि पता है कि हम लोग ट्रैवलिंग पे निकले हुए हैं और इत्तेफाक से आज गंगा दशहरा भी है। गंगा दशहरा पे गंगा स्नान का बहुत पुण्य होता है, तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ हरिद्वार, हर की पौड़ी पर। प्लीज़ वॉइस के लिए इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इतनी जगह हम लोग जा रहे हैं, पानी बदल रहा है, तो मेरा गला हो रहा है बहुत ख़राब। तो ये मौनी है, आप जानती हैं, मोनिका शर्मा से मैं मिलवा चुकी हूँ। तो हम लोग जल्दी जल्दी ये नाश्ता बना रही है। खाना पीना तो हम लोगों ने सोच रखा है कि बाहर ही करेंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे देखिए वो सर में ट्रेन की बात अलग होती है, बट ऐसे टाइम पे बाहर ही वहाँ पे जो ढाबा वगैरह जो भी मिलेगा, होटल रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम लोग बाहर खा लेंगे। लेकिन अभी यह हल्का फुल्का नाश्ता खा के हम लोग सीधे निकल रहे हैं। हमारी कैब आ चुकी है, उसे हमने पूरे ही जितने दिन हम यहाँ रहेंगे उतने दिन के लिए बुक है, तो वो सुबह 9 बजे से लेके शाम तक वहीं घूमते रहते हैं। अब हमारी यात्रा चल रही है हरिद्वार की ओर। अब देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरी एकदम सड़क है यहाँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको ये वाला व्यू भी दिखा दूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं और अपनी कैब से उतर रहे हैं। देखिए आप चारों तरफ का, अरे अरे भाई सुशील भाई से तो मिल लीजिए, ये भाई तो आखिर 2-3 दिन से हमारे साथ हैं, तो इनसे भी तो हेलो करना और मिलवाना मेरा फ़र्ज है ना आपको। देखिए हेलो कर रहे हैं हमारे सुशील जी। अब हम चले हैं हरिद्वार की ये सड़क पे, आप देख रहे हैं राफ्टिंग के लिए ये बॉयस ये नाव लेके जा रहे हैं। बहुत हमें इस तरह के मिले रास्ते में भी और अब भी, तो मैंने थोड़ा सा ये शूट कर लिया। ये देखिए गंगा जी में राफ्टिंग कर रहे हैं ये बॉयस, अच्छा लग रहा है। ये लोग यहाँ पे आते हैं इस तरह। अब बोट में हम लोग बैठ चुके हैं, यहाँ पे ये कुछ हरियाणवी महिला हैं, बहुत अच्छी प्यारी सी है ये, इन्होंने ये देखिए कितना अच्छा सॉन्ग सुना। ये हम लोग बोट में बैठ चुके हैं गंगा जी में बोट से भ्रमण करने के लिए। तब मैं बोट में चढ़ने का शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस समय वो हिल रही थी इतनी तेज। ये देखिए गंगा जी में हमने थोड़ा सा डाला है मछलियों के लिए अन्न, ये सारी लेडीज भी डाल रही हैं, क्योंकि मछलियों को इस तरह खिलाना भी अच्छा होता है। आज गंगा दशहरे का पर्व है। ये देखिए कितना वो कर रही है, ये हम सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, आचमन कर रहा है। मैंने इसी बोट में हम आए थे अभी गंगा स्नान करने के लिए। अब ये वहाँ का जो हर की पौड़ी की तरफ उड़ जाता है उस पर हम लोग जा रहे हैं। आप देखिए गंगा कितनी अच्छी लग रही है इस समय। ये चारों तरफ का पहाड़ी, भीड़ काफ़ी है, फिर भी उतनी भीड़ नहीं है कि हम लोग को चलना भी ना पाए। बहुत लोग गंगा स्नान करते हैं, नीचे देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये राम झूला है, लक्ष्मण झूला आजकल बंद किया हुआ है क्योंकि वो काफ़ी पुराना है। और देखिए ये रुद्राक्ष का पेड़ है, हालांकि यहाँ पे इसमें रुद्राक्ष नहीं लगेंगे क्योंकि रुद्राक्ष हमें हिमालय पर ही होता है, पर यहाँ पर लगा रखा है। ये देखिए हवन आदि यहाँ पर हो रहा है, ये स्पेटिक है। ये हम एक शॉप पर आए हैं, यहाँ पर एक मुखी रुद्राक्ष स्पेटिक मतलब बहुत चीज़ें मिली हैं यहाँ पर। आपको पता है बाइक भी रेंट पर मिलती है, तो बॉय या लोकल भ्रमण के लिए लोग बाइक भी रेंट पर ले लेते हैं। ये देखिए मैं आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ गंगा जी का, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, भीड़ है पर इतनी नहीं है कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए। सबसे खुशी मिल रही है कि हम लोग इत्तेफाक से गंगा दशहरे वाले दिन ही यहाँ आ चुके हैं। ये देखिए ये एक लड़की है, इसके दोनों हाथ नहीं है पर बहुत सुंदर बहुत अच्छी ड्राइंग बना रही है। देखिए ये अपना फ़ोन भी खुद रिसीव कर रही है। ये मेरी दी है, मोनिका से तो आप मिल ही चुके हैं।
फ्रेंड हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं, बहुत टायर्ड हो चुके हैं, तो बस अब हम लोग खाएंगे सीधे खाना और वापस करेंगे अपने घर की तरफ। और अब हम जहाँ जाएंगे वहाँ आपको फिर ले